कि आयनिक रेडियस हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट की किस तरह से कैलकुलेट करें बाय द पाउली मेथड, दैट इज पाउली मेथड। पाउली मेथड, तो पाउली मेथड में कहा गया कि आयनिक रेडियस जो होगा, आयनिक रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो आयनिक रेडियस यानी कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की कैलकुलेट करनी होगी तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन तब सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो अगर हम कहें कि आयनिक रेडियस को हम आर से डिफाइन कर लें, दैट इज आयनिक रेडियस आर, देन वी से दैट आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन जेड इफेक्टिव, वेयर ए इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ए इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। सो अब अगर हम किसी भी एलिमेंट के आयनिक रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जेड इफेक्टिव चाहिए, और जेड इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किस तरह से कैलकुलेट करें इसको मेरी वीडियो में पहले ही बता दिया गया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्लेटर्स रूल। तो एक बार वो वीडियो प्लीज़ कैरी कर लें, क्योंकि बिना उसके आयनिक रेडियस कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। सो देन और तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जेड इफेक्टिव के लिए आपको एक बार प्लीज प्रिफर करना पड़ेगा स्लेटर्स रूल, और स्लेटर्स रूल के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार उसको कैलकुलेट देखें समझें और फिर इस वीडियो पर आए। तो आयनिक रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें जेड इफेक्टिव की ज़रूरत है, और जेड इफेक्टिव का यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सिग्मा इज अ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स स्लेटर्स रूल जो है वो सिर्फ बता रहा है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आयनिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, लटा टेक अ एग्जाम्पल दैट इज सोडियम फ्लोराइड, इन विच हैविंग अ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज 2.31 एंगस्ट्रॉम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि अगर हमारे पास कोई दो एटम है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है एन ए और एफ में वो है 2.31 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आयनिक रेडियस फॉर बोथ एन ए एंड एफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंटेन अ फॉर्मूला अबाउट सोडियम, दैट इज आर एन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन, और यहाँ पर मैंने स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 4.5। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वही वीडियो कैरी करें देखें। तो यहाँ पर अगर हम कहें अप्लाई करें दैट इज जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, जेड देयर इज अ जेड, जेड माइनस सिग्मा, जेड इज 11 एंड सिग्मा इज 4.5, सो इट्स विल बी ए अपॉन 6.5। सिमिलरली फॉर फ्लोरीन दैट इज ए अपॉन हैविंग अ इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज 9 माइनस 4.5 is equals to a upon 4.5। तब अगर हमें यहाँ पर आयनिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो इन दोनों की आयनिक रेडियस के सम्स होगा। देन वी से डैट दैट इज आर एन ए प्लस आर एफ इज इक्वल्स टू 2.31 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर? नाउ सो The value of RNA is A upon 6.5, and the value of F that is A upon 4.5, which is equals to 2.31 angstrom. Now take a common of A that here that is 1.65 plus 1 upon 4.5 is equals to 2.31
एंगस्ट्रॉम। तब यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा वो होगा डेट इज ए इज इक्वल टू 6.14। तो अब हमें ए का वैल्यू मिल गया है। अगर अब हम आर एन ए और आर एफ निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेट इज आर एन ए इज 6.5 एंड आर एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 4.5। सो है द वैल्यू ऑफ ए इज 6.14 and here is a 6.5, here is a RNA and here is a RF, that is 6.14 upon that is 4.5. so the approx value is 9.4 angstrom, and at here the approx value is approx 1.36 angstrom. so इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की आयनिक रेडियस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, आयनिक रेडियस कैलकुलेट करने से पहले, आप एक बार स्लेटर्स रूल को प्रेफर कर लें। मेरी प्रीवियस वीडियो में स्लेटर्स रूल है, तो वहाँ से अच्छी तरह से देखें और फिर इस पर आगे बढ़ें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।